हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर लेके आ गए हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से भी पता चल गया होगा, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला कैसे आप अपने टेक्स्ट पर, अपने टेक्स्ट वीडियो पर जो आप लिखते हैं लिरिक्स, उस पर आप कैसे हज़ारों लाखों अलग अलग टाइप के एनिमेशन लगा सकते हैं। जी हाँ, ब्लैक बैकग्राउंड स्टेटस भी बना सकते हैं एक नए और अच्छे स्टाइल से, बिना कोई कैप का यूज़ करे। जी हाँ, और उसे अपने फ़ोटो पर या और कहीं पर भी लगा सकते हैं, अपने लिए स्टेटस बना सकते हैं या फिर अपनी यूट्यूब वीडियोस में स्टेटस डालकर अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, कैसे आप अपने ब्लैक बैकग्राउंड स्टेटस में लाखों एनिमेशन लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नॉलेज वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद एनिमेशन टेक्स्ट मेकर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको थर्ड नंबर पर, जी हाँ थर्ड नंबर पर, ये एप्लीकेशन जो दिख रही है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जी हाँ, ये गलती से दूसरा टच हो गया। थर्ड नंबर पर ये जो एप्लीकेशन दिख रही है आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अभी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस दिखेगा ऐप का। तो क्रिएट एनिमेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। सिंपली आपको चलिए थोड़ी सी लोडिंग लेगा। और देखिए, ये मेरे चैनल का नेम है। जी हाँ, मैंने ये पहले से यूज़ करके देखा था, तो ये चैनल का नेम है। तो आप यहाँ पर कोई भी लिरिक्स या कुछ भी लिख सकते हैं अपने लिए, और कितनी भी लंबी इसमें वीडियो बना सकते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड स्टेटस बनाकर फिर अपने फ़ोटो पर ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, तो सिंपली आप, मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा लाइक दिस वीडियो। जी हाँ, ये मैंने लिख दिया। तो सिंपली कुछ इस प्रकार से ये अलग अलग बहुत सारे एनिमेशन हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने एनिमेशन हैं, और आप स्लाइड करते जाएंगे उतने एनिमेशन, देखिए देखिए कितने सारे एनिमेशन हैं। जी हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड आप बहुत ज़्यादा एनिमेशन से इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये एनिमेशन ले लिया, और कोई भी पेड नहीं है। सबसे अच्छी और ख़ास बात क्या है, कोई भी पेड नहीं है। जी हाँ, बहुत अच्छी और रियल एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं कैसे किसी भी फ़ॉन्ट को, किसी भी एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे और कितने मस्त लग रहे हैं। यहाँ उसके बाद आप इसमें मतलब कोई और एडिटिंग भी कर सकते हैं, मतलब ये इसकी स्लाइडिंग कैसे होगी, या फिर इनके फ़ॉन्ट, हाँ फ़ॉन्ट का स्टाइल भी बदल सकते हैं। देखिए कितने फ़ॉन्ट के स्टाइल मिल गए आपको, यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्टाइल मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप अपने लिए अच्छी सी लिरिक्स या फिर स्टेटस वीडियो या फिर कुछ भी बना सकते हैं, कोई टेक्स्ट कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। इनका कलर भी बदल सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप टेक्स्ट स्टाइल बदल सकते हैं, और यहाँ से आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, कलर चेंज करके मैं आपको एक कलर चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया रेड। जी हाँ, रेड ले लिया। तो देखिए कुछ इस प्रकार से वीडियो हो गई, कुछ इस प्रकार से इसकी एडिटिंग आ रही है। और देखिए दोस्तों कितने सारे, जी हाँ कितने सारे इसमें आपको फ़ॉन्ट स्टाइल मिल रहे हैं। मान लीजिए मैंने आगे से स्लाइड करके ये वाला ले लिया, तो देखिए दोस्तों कुछ बहुत ही अच्छी, और एक भी ख़ास बात क्या है, एक भी पेड नहीं है दोस्तों। सारी के सारे एनिमेशन, सारे के सारे टेक्स्ट बिल्कुल फ्री हैं, और बहुत अच्छी फ़ॉन्ट सेटिंग। देखिए आप मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, कि कैसे आपको फ़ॉन्ट कैसा रखना, बड़ा रखना है। अगर बड़ा रखना है तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है, ये जितना आगे करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, और जितना पीछे करेंगे तो ये घट जाएगा। तो मान लीजिए मैं पीछे करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कुछ इस प्रकार से छोटा सा बन गया है, और अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। जी हाँ, और इसमें अलग अलग टाइप से, मान लीजिए मैंने ये वाली वो ले ली, तो ये इस साइड आ गया, थोड़ा सा बीच में नहीं आया। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस वाली पर क्लिक कर दिया, तो ये थोड़ा सा इस साइड आ जाएगा। और अगर हमने इस टेक्स्ट को बीच में लाना है तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो ऐसा कि ये पहले था। तो और इसमें कुछ इस प्रकार से लेटर्स देख सकते हैं आप, स्मॉल, यहाँ पर टेक्स्ट केस, कैपिटल लेटर, स्मॉल, नॉर्मल, फॉन्ट फैमिली। तो मैं स्मॉल पर अगर क्लिक करूँगा, यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा इसको, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये टेक्स्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको नॉर्मल करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो कुछ इस प्रकार से
तो देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया और अच्छी एप्लीकेशन लग रही है, आपको भी बहुत अच्छी लग रही है। आप और तो और इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं पीछे का, कैसे कि आप कौन सा बैकग्राउंड लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये बैकग्राउंड ले लिया मैंने, मान लीजिए ये बैकग्राउंड ले लिया, हज़ारों बैकग्राउंड है जी हाँ, ये अलग अलग टाइप के इसमें बैकग्राउंड देखने को आपको मिल रहे हैं। कोई भी बैकग्राउंड आप अच्छा सा बहुत ही अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड स्टेटस बनाते हैं उसके लिए ब्लैक बैकग्राउंड भी अवेलेबल है। इससे और भी अच्छा आप यहाँ से अपनी फ़ोटो पर भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों चेंज बैक इमेज, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप गैलरी में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और गैलरी से आप अपनी फ़ोटो पर कोई भी टेक्स्ट वीडियो और अपनी स्टेटस वीडियो भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों डिले, इसमें क्या होता है कि आपकी ये जो आपके ये वर्ड आ रहे हैं, जो ये आपकी लिरिक्स आ रही है, जो ये आपके स्टेटस आ रही है, ये कितनी देर में आएगी। तो अगर मैं इसको इस येलो पॉइंट को थोड़ा आगे करूँगा तो ये थोड़ी डिले हो जाएगी, मतलब थोड़ी देर से हो जाएगी। मान लीजिए मैंने ये इतना कर दिया तो अब देख सकते हैं आप थोड़ी सी डिले हुई। अगर मैंने इसको फुल ऐसे कर दिया तो आप देख सकते हैं थोड़ी और डिले होगी। और अगर मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पर कर दिया, अगर मैंने इसको इसको यहाँ पर कर दिया तो कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कर दिया तो एकदम से आ गए सारे इकट्ठे आ गए। तो कैसे भी आप अपने यहाँ से टेक्स्ट मेक कर सकते हो और अच्छी लिरिक्स स्टेटस वीडियो बना सकते हो, यूट्यूब के लिए बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, और बहुत अच्छी आपकी स्टेटस बनेगी इस ऐप से। और हज़ारों एनिमेशन है जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। और फिर इसको सेव करना है, कैसे सेव करेंगे, सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है और इसको आप तीन क्वालिटीज़ में सेव कर सकते हो, लो वाली में, फिर ये दूसरे वाली आ गई है मीडियम वाली में, और फिर तीसरे वाली हाई वाली में। तो सिंपली मैं हाई वाली में क्लिक करके और यहाँ से जनरेट कर देता हूँ, जी हाँ यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ जनरेट वाले ऑप्शन पे, तो ये मेरी वीडियो सेव हो जाएगी। तो ये बहुत जल्दी हो गई है। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके पूछ लें अगर कोई भी वीडियो में कन्फ्यूज़न है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।